दो विषय हिंदी कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो पाठ पुस्तक है उसके अंतर्गत जो पाठ दिए हैं आज हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं गद्यखंड पहलवान की ढोलक, आज हम इनके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। समझा आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आपके बुक में दी हुई है ये पिक्चर पुस्तक में। एक पहलवान है और ये इसका ढोल है, ये पहलवान है और ये ढोलक बजा रहा है। इसके जो पाठ का सार है और इसका जो इसकी इस पाठ के जो गद्यांश हैं वो मैंने आपको पढ़ाए थे और समझाए थे। आज हम उसी पाठ के कुछ प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला है, सबसे पहला दिया है, कुश्ती के समय बोल की आवाज और लुटन के दाव पेंच में क्या तालमेल था। पाठ में आया ध्वन्यात्मक शब्द बोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं उन्हें शब्द में दीजिए। जो कुश्ती के समय जब जो ढोल बजते हैं जो लुटन के दाव पेंच थे वह बहुत ही अच्छा तालमेल था और ढोल की ललकारती हुई जो आवाज से बिजली उत्पन्न करनी थी। लुटन को लगता मानो ढोल की आवाज उसे कुश्ती के दाव पे सिखा रही, दाव पे सिखा रही, जिसका कारण था लुटन ने कुश्ती करना किसी गुरु से नहीं सीखा था, वह ढोला ही उसकी गुरु थी और ढोला की आवाज गुरु की आज्ञा थी। ढोल की आवाज और ध्वन्यात्मक शब्दों का विशेष संबंध है। जैसे दिए हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे चटधा गिरधा अर्थात आजा गिर जा, चटाक चटधा अर्थात उठाकर पटक दे, धाक धिना अर्थात वाह पट्ठे वाह, चट गिर धा अर्थात धर्मत, धाक धिना तिरकट तिना अर्थात दाव काटो बाहर हो जा, धिना धिना धिक धिना अर्थात चित्त करो चित्त करो, धाक गिर अर्थात वाह वाह दो। लुप्टन ढोल के इन ध्वन्यात्मक शब्दों की ध्वनि के आधार पर ही क्या बना था, पहलवान बना था। यहाँ पर कहानी के किस किस मोड़ पर लुटन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु की सुप्रसिद्ध कहानियों में से प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है जिसका नायक पहलवान लुटन सिंह, उसके जीवन में समय समय पर अनेक परिवर्तन आए जो निम्नलिखित हैं। पहला सर्वप्रथम तो उसके जो माता पिता का देहांत, 9 वर्ष कितने वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में हो गया और उसका विवाह हो चुका था। उसकी जो सास उन्होंने बड़ा किया अत्याचारों का बदला लेने के लिए, वो है पहलवान बना जो सास पर उसके अत्याचार होते थे। दूसरा परिवर्तन उसकी किशोरावस्था में आया जब वह श्यामनगर में जंगल गया, पंजाब के पहलवान शेर के बच्चे जवानी मस्त इस प्रकार की ढोल की जो ललकारती आवाज के आधार पर पराजित कर अजय राज पहलवान बना। तीसरा परिवर्तन उसकी व्यवस्था में आया, वह 15 वर्ष तक से दरबार में रहा, यहीं पर उसने अपने दोस्त बेटों पहलवानी सांसारिक शिक्षा देकर दरबार का भावी पहलवान बना दिया। चौथा परिवर्तन उसकी ढलती अवस्था में जब वृद्ध राजा की मृत्यु हो जाने पर ब्लैक राजकुमार राजा बना और उसने दरबार की समस्त क्रियाओं को सक्रिय करने के दंगल के स्थान पर घोड़ों की रेस को महत्व दिया। पहलवानों दैनिक भोजन के खर्चे से बचने के लिए लुटन को दरबार से वंचित किया। यह ढोला को गले में डाल दोनों बेटों को लेकर अपने प्रत्येक गांव आया और गांव के एक किनारे झोपड़ी बनाकर गांव के नौजवानों पर चरवाहों कुश्ती सिखाने लगा। परंतु किसान और गरीब क्या कुश्ती सीखते, उसके दोनों बेटे मजदूरी करके पेट भरने लगे। पांचवा उसके जीवन का अंतिम, पांचवा उनके जीवन का अंतिम गाँव में आने वाले आकस्मिक वज्रपात के कारण आया। अनावृष्टि अकारण्य की कमी मलेरिया है जैसे महामारी ने गाँव को मतलब क्या कर दिया, खाली कर दिया। इस प्रकार से बेटे की मृत्यु हो गई, ढोल बजाकर उन्हें अपना गांव को मतलब मानव को संजीवनी देता रहा, अंत में एक रात उन्हें संसार से विदा हो गया। इस प्रकार जीवन में परिवर्तनों के साथ उसके जीवन का अंत भी हो गया। फिर है लुटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है। लुटन पहलवान ने ढोल को ही अपना गुरु बताया जब उसके दो बेटे दरबार महाविराज पहलवान घोषित
हुए गए था नृत्य से ढोल बजा बजा। उसका गुरु कोई और नहीं, ढोल ही मतलब उसका गुरु कोई और पहलवान नहीं, वही यही ढोल है। इसी वजह इसकी जो आवाज है कि प्रताप सिंह पहलवान है बना। श्याम नगर दंगल ढोल की लटकाती आवाज उसकी नसों को बिजली उत्पन्न कर दी। उसने पंजाब के चांद से पहलवान को पराजित कर ढोल को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया था। उसने अपने बेटों से कहा दंगल में तत्तर सततम ढोलों को प्रणाम करना। उसकी प्रथम विजय ढोल की आवाज की प्रेरणा हुई थी। इन्हीं कारण से लुट्टन ढोल को अपना गुरु मानता। फिर है गांव में महामारी फैलने अपने बेटों के ध्यान के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। गांव में महामारी फैलने के कारण घर खाली, काफी घर खाली हो रहे थे और लोगों के हृदय में निराशा की भावना आ गई थी। इसी प्रकार पहलवान के दो बेटों का ध्यान होने के कारण लुट्टन अकेला रह गया था। उसके जीवन में निराशा ही निराशा थी। गांव और अपने जीवन को सूखेपन से बचाने के लिए ढोल बजाता रहा। ढोलक और लुट्टन के मध्य अच्छा तालमेल था। ढोलक की थाप मानो उसके जीवन उसके जीवन को जीने की चाह बढ़ा देती थी और दूसरा वह कि गांव व अपने मन के सन्नाटे को कम करने के लिए क्या बजाता था, ढोल बजाता था। लोगों की हिम्मत वह दुगनी करता रहा। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता। सर्दी का मौसम अमावस्या की ठंडी काली रात में हैजे मलेरिया से पूरा जो गांव है वह भयार शिशु की तरह कांप रहा था। चारों ओर क्या था, अंधेरा सन्नाटा था। और रात्रि की विशेषता ढोलक की जो आवाज संध्या प्रातः से ताल ठोकर ललकाती रहती, जिससे मृतता गाँव को संजीवनी क्या मिल रही थी, गाँव को संजीवनी मिल रही थी। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु दौड़ जाती थी। मरते को मृत्यु से भय नहीं होता था। ग्रामीणों में जीवंतता भक्ति थी। सन्नाटे में जिंदगी के होने का एहसास कराती। इस प्रकार ढोलक की जो आवाज है वह संपूर्ण गांव को क्षण भर के लिए सजीव बना देती थी। प्रश्न, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय सूर्यास्त की दृष्टि में क्या अंतर होता था। तो महामारी फैलने के बाद गाँव में सूर्योदय सूर्यास्त के दृष्टि में बड़ा अंतर होता था। सूर्योदय होते ही लोग कांपते जूते चढ़ाते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों आत्मियों को ढांढस बनाते हुए हाहाकार तथा हृदय विदारक उद्गम के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश कर्म से चेहरों पर चमक दिखाई देती थी। परंतु सूर्यास्त होने के बाद सब अपने अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे और किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। जैसे उनका वाक शक्ति समाप्त हो जाती। माताएं अपने बेटों को अंतिम सांस लेते देखकर भी बेटा कहने का साहस नहीं रखती थी। केवल पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर सुबह तक भजकर रात्रि की निस्तब्धता को ललकार भी चुनौती देती रहती थी। किसकी ढोलक, पहलवान की ढोलक। लुट्टन पहलवान का बचपन किस प्रकार बीता। लुट्टन पहलवान का बचपन कोई सुख में नहीं था। 9 वर्ष की उम्र में ही उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई। सौभाग्य से उसकी शादी हो गई। विधवा सास ने पाल पोषण बड़ा किया। बचपन में गाय चराता और दूध गाय का दूध पीता, कसरत करता। लोग उसकी सास को करने की तरकीब देते। लोगों को बदला लेने के लिए उस पर कसरत का भूल सवार। इस प्रकार कसरत के कारण बचपन में उसका मतलब जो शरीर था सुडोल और मांसल हो गया था। लुट्टन पहलवान के गांव में अचानक क्या हुआ। लुट्टन अचानक उसके अनावृष्टि, अन्न की कमी, मलेरिया, हैजा, लोगों को मतलब गांव सूना होने लगा। गांव खाली होने लगे, लाशें उठने लगी, चारों हाहाकार विदारक उद्गम सुनाई देने लगा। इस प्रकार दिन तो दिन लोग एक दूसरे की सूरत मतलब बिता रहे थे, देखते ही नहीं थे, परंतु रात्रि की विषिका और बढ़ जाती थी। शेर का बच्चा कौन था, उसे है टाइटल किसी प्रकार। शेर का बच्चा पंजाब का युवा पहलवान था जिसका वास्तविक नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु बादल सिंह पहलवान के साथ श्यामनगर मेले में आया और सुंदर जवान देख करके ही वह उसके तीन दिन में ही पंजाब और पठान पहलवान गुरु अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पटकों को पछाड़ दिया, जिस कारण उसे शेर के बच्चे के टाइटल प्राप्त हुआ। श्याम नगर के वृद्ध राजा ने किससे क्यों क्या देकर जाओ मेरा देखकर आओ कहा। जाओ मेरा देखकर घर जाओ, यह बात श्याम नगर के वृद्ध राजा ने लुट्टन पहलवान से 10 रुपए का नोट देकर कहा। राजा शेर के बच्चे के दर को दरबार में रखने की सोच रहे थे। वे नहीं चाह रहे थे कि लुट्टन चांद सिंह को पराजित करे, पर उन्होंने प्रथम आक्रमण में लुट्टन की कुशलता को परख लिया और राजा ने कुश्ती बंद कराई। लुट्टन को अपने पास बुलाया, उसकी हिम्मत प्रशंसा कर 10 रुपए का नोट देकर समझाते हुए यह वाक्य कहा था। फिर है कुश्ती में चांद सिंह पहलवान के पराजित होने पर राजा ने लुट्टन के साथ कैसा व्यवहार किया।
तो लुट्टन जब वो विजय हुआ तो साहब ने उसने छाप से लगा गद्दर होकर जीते रहो बहादुर। इस प्रकार तुमने मिट्टी की लाज रखी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया बल्कि उसे अपने दरबार में सदा के लिए रखे। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। फिर राज पहलवान बनने पर लुट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन आए? तो राज पहलवान बनते लुट्टन के जीवन में खुशी के पलों का आगमन हुआ हो गया। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन, व्यायाम और राजा साहब की जो उनका स्नेह दृष्टि, उनकी प्रसिद्धि में चार चांद लग गए। उस समय उसने एक एक करके सभी पहलवानों को पराजित किया। यहाँ तक कि काला खां नाम के पहलवान को भी पराजित कर दिया और इस प्रकार दरबार का दर्शनीय जीव हो गया। उसने अपने दोनों बेटों को भी दरबार में बुला लिया। इस बीच उसकी माँ पत्नी की मृत्यु हो गई। राज दरबार में रहते उसकी ये 15 वर्ष अजय पहलवान के रूप में बीते। फिर शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया। इसमें इस पंक्ति का आशय उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि राजा की कृपा की दृष्टि से पौष्टिक भोजन कारण से शरीर लगातार वृद्धि होने लगी। इसके विपरीत बुद्धि के विकास का स्तर गिर रहा था। इसका उदाहरण यह है कि जब वह मेला देखने आता है, लंबा कुर्ता अस्त व्यस्त पगड़ी पहनना और नाश्ते में 2 किलो रसगुल्ले खाना, 8-10 पान की कलोरिया खाना और इस प्रकार से लौटते समय रंगीन अवरक का चश्मा पीतल की सीटी बजाना, फिर उन्हें नचाना, बच्चों की क्रिया इत्यादि वह कर रहा था। जाने की अमावस्या की ठंडी काली रात की प्रचंडता पर क्या कारण था? सर्वप्रथम सर्दी तो सर्दी की अमावस्या के कारण घनघोर अंधेरा और ठंड ने रात को ध्यान बना दिया। सूखा अकाल, महामारी, अन्न की कमी, गांव से लोग क्या कर रहे थे और आंसू जो रात में ओस के रूप में जो है आंसू टपका रहे थे आकाश में, कोई टूटता हुआ तारा दिखाई देता थे, जो तारे टूट मारे जैसे आग, कुत्तों की डरावनी आवाज मुसीबत का संकेत कर रही थी, झोपड़ियों में तप प्रदर के साथ हरिराम ये भगवान की आवाजें आ रही थी और बच्चे निर्वर आवाज मामा पुकार रहे थे। इन सब कारणों से अधिक ठंड रात की भीषणता जो भीषणता है ठंडी की वह बढ़ जाती थी। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को किस प्रकार प्रशिक्षित कर रहा था? तो माँ और पत्नी की मृत्यु का लुट्टन अपने दोनों बेटों को कहने के लिए दरबार में और प्रतिदिन प्रातः काल लुट्टन सिंह ढोलक बजाकर दोनों को कसरत करवाता। दोपहर में वह लेटे दोनों सांसारिक ज्ञान की शिक्षा देता, ढोल की आवाज के प्रताप को बताकर उसे गुरु बताता, दंगल उतारकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करने की शिक्षा देता, मारी को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए किसी के साथ, जैसी सांसारिक बातें सिखाता था। दोनों बेटों की अंतिम इच्छा को लुट्टन पहलवान ने कैसे पूरा किया और अंतिम संस्कार किस प्रकार किया? स्थूलकाय के आघात में पड़े दोनों बेटों ने असह वेदना में छटपटाते पिता से कहा, बाबा को पटक दो, बालक ताल बजाओ। पहलवान सारी रात चटाक चट भा वाली ताल बजाता रहा। बीच बीच में मारो बहादुर कहकर बेटों की इच्छा पूरी कर रहा था। प्रातःकाल दोनों बेटे जमीन पर पेट के बल निस्तंग पड़े। अनायास लुट्टन के मुंह से निकला, दोनों बहादुर गिर पड़े। उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी डाल के पहले सारे शरीर में मिट्टी लगाकर कसर की। दोनों पुत्रों का मुख फैलाकर नदी में बहाया। संपूर्ण गांव सुनकर दंग रह गए। इस प्रकार उसने अपने बेटों का अंतिम संस्कार किया। प्रश्न, पहलवान के मरने के बाद उसकी अंतिम इच्छा किसने कैसे इच्छा को किसने वह कैसे पूरा किया? एक रात ढोल की आवाज सुनाई देना रहने पर उसके कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्य ने प्रातःकाल जाकर देखा। पहलवान की लाश पड़ती। एक शिष्य ने कहा, गुरु जी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता का मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ चिता सुलगते समय ढोलक बजा देना। उसकी इस अंतिम इच्छा को उसके शिष्यों ने पूरा किया। चलिए, रात्रि की विभिषिका में पहलवान ने ढोलक ललकार कर क्या चुनौती दे दी। गाँव में फैली महामारी दिनों में के जो जब महामारी के दिनों में लुट्टन की ढोलक शाम की सुबह तक बजकर रात्रि की विभिषिका के मृत्यु को ललकार कर बड़ी चुनौती दी थी। गाँव के अर्ध औषधि उपचार पति ग्रामीण में संजीवी शक्ति भरती जैसे समस्त ग्रामीणों के शरीर बिजली खोल जाती। ढोलक ना तो डॉक्टर थी ना उसके पास कोई दवाई थी, उसके पास कोई उपचार नहीं था, उसके पास महामारी को नष्ट करने की शक्ति थी, लेकिन आंख घूमते समय ग्रामीण प्राणियों को कोई तकलीफ नहीं होती थी।
पहलवान इडोला कांचली कहानी का मुख्य प्रतिपाद अति संक्षिप्त रूप में दीजिए। रेणु जी की पहलवान ढोला पहलवान की ढोला आंचली कहानी व्यवस्था की लोक कला के प्रासंगिक पुराने कहानी है। राजस्थान की जगह विलायत से आई हुई राजमाता जन्मा भारत पर इंडिया के छाजानी घटना जिस कारण रुटका लोक कलाकार के स्थान पर उत्तर उदयपुर के स्थान आ जाता है। फिर भी लोक कला मानव जाति को जीवंत बनाती मनुष्यता की साधना जीवन के सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाने का प्रश्न ही प्रश्न रह जाता है। कहानी के इसी मुख्य प्रतिपादक को समझाना मतलब समझाना और समझना अनिवार्य। इस प्रकार मैंने आपको पहलवान की ढोलक पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया समझाया। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे और परीक्षा के लिए तैयार करेंगे।